सम्यास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो बिस्किट केक। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है बनाना और हर कोई बना सकता है, तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 5 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है, इसको मैंने एक बाउल में सारे ओरियो को बिस्किट को निकाल दिया और एक इसमें से बिस्किट लेंगे, उसका दोनों अलग अलग पार्ट करेंगे और क्रीम अलग कर देंगे। क्रीम को एक बाउल में निकालेंगे, सारे बिस्किट को हमें ऐसे ही करना है, क्रीम अलग करना है, बिस्किट अलग करना है। एक बार इस केक को आप लोग बना के ट्राई कीजिए, सारे केक आप मार्केट का भूल जाएंगे, खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। सारे क्रीम मैंने अलग कर दिया है, बिस्किट का पार्ट अलग कर दिया है। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, मतलब बुरादा हमें बनाना है। एकदम अच्छे से बुरादा बन गया है, थोड़े थोड़े से बिस्किट रह गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर से हमें पीस लेना है दोबारा दूध डाल के। तो मैं यहाँ 1 ग्लास दूध डाल रही हूँ, आप एक साथ सारा दूध नहीं डालना है आपको, अभी थोड़ा सा टाइट है तो इसमें थोड़ा और दूध डालेंगे और शक्कर डालेंगे। मीठा अगर आप खाना चाहते तो शक्कर डालिए, तो मैं यहाँ 3 स्पून शक्कर डाली हूँ। दोबारा से मैंने मिक्सी चलाया, तो हमें ऐसे थिकनेस रखनी है केक का, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, और इसको एक बाउल में निकालना है। सारा मैंने निकाल लिया है और मैं यहाँ इडली वाला कुकर में बना रही हूँ। पानी आप कुकर में भी बना सकते हैं, नॉर्मल कुकर में, तो मैंने यहाँ नीचे पानी डाल दिया है। फिर इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख दिया है, तब तक अंदर गर्म होगा अंदर तक। अब यहाँ एक पाउच में इनो ले रही हूँ, कोई से भी आप इनो ले सकते हैं, और हल्का सा पानी या दूध कुछ भी डाल सकते हैं 1 स्पून के बराबर। तो मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बटर पेपर मैंने लिया है, उसमें सारा हमें डालना है। इधर गर्म हो गया है, 10 मिनट हो गया है, तो मैंने रख दिया है। फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे ताकि अंदर पानी ना जाए, और कम से कम 40 से 45 मिनट तक हमें रखना है। और यहाँ मैं 1 चम्मच दूध डाल रही हूँ और फेंट रही हूँ अच्छे से। फेंट ओरियो बिस्किट का जो क्रीम था उसको मैंने फेंट लिया अच्छे से। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में। अब यहाँ चेक करेंगे, 45 मिनट हो गया है। अब चक्कू की सहायता से चेक करेंगे चिपक रहा है या नहीं। देखिए नहीं चिपक रहा है, यानी तैयार हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं गर्मा गर्म। मैं यहाँ गर्मा गर्म निकाल रही हूँ, इससे पता चलेगा कि केक हमारे पूरी तरह से बनके तैयार हुआ है या नहीं। देखिए अपने आप निकल गया है गर्मा गर्म, ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसको पलट देंगे, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम पेस्टी लग रहा है देख के, और स्पंजी भी बना है। अब इसको हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो मैंने जो क्रीम लिया था बिस्किट वाला, उसी को अच्छे से फैलाएंगे। सारा मैंने क्रीम लगा लिया है, अब इसमें हम चॉकलेट डालेंगे। मैंने यहाँ डेयरी मिल्क लिया, उसको कद्दूकस कर लिया था, और थोड़े से खड़े डाल रही हूँ। बहुत ही आसान है ना तरीका बनाने का। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिल सके।